तो दोस्तों एमसीयू के अब लगभग सभी पुराने सुपर हीरोज रिटायर हो रहे हैं और यहाँ नए हीरोज की एंट्री हो रही है और इस नए फेज में ज्यादातर सुपर हीरोज काफी कम उम्र के बच्चे हैं। ऐसे ही एक यंग सुपर हीरो पर बेस्ड है एमसीयू की मिस मार्वल सीरीज, जहाँ एक लड़की को बिल्कुल ही नई तरह की पावर्स मिलती है। ये टीवी शो एक्शन कॉमेडी और मैजिकल एडवेंचर से भरपूर है। अगर आप इसे अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं मिस मार्वल सीरीज को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये कहानी है न्यू जर्सी शहर में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार की, जो कि कुछ साल पहले ही पाकिस्तान से अमेरिका में शिफ्ट हुआ है। इस परिवार में चार लोग शामिल है और यहाँ जो सबसे छोटी मेंबर है वो है कमाला खान, जो कि एक 16 साल की स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है और वो सुपर हीरोज की बहुत बड़ी फैन है, खास तौर पर कैप्टन मार्वल की। कमाला खुद भी एक सुपर हीरो बनना चाहती है, लेकिन उसके परिवार वाले उसकी इस सोच के खिलाफ है। इसी बीच न्यू जर्सी शहर में एवेंजर कॉन नाम का एक सुपर हीरो इवेंट होने वाला था, जिसमें कैप्टन मार्वल के सूट का कंपटीशन भी था। कमाला इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली थी, इसीलिए वो अपने दोस्त ब्रूनो के साथ मिलकर एक कॉस्ट्यूम तैयार करती है। पर उस कंपटीशन में हर किसी को अपना सूट थोड़ा यूनिक बनाना था, लेकिन कमाला ये सोच नहीं पा रही थी कि वो अपने सूट को अलग कैसे बनाए। तभी उसकी नानी सना, जो कि पाकिस्तान में रहती थी, वो कमाला को एक बहुत ही खास तरह का बैंगल यानी कड़ा गिफ्ट करती है, जिसे कमाला अपने कैप्टन मार्वल सूट को अलग बनाने के लिए रख लेती है। फिर जब वो ब्रूनो के साथ एवेंजर कॉन में जाती है और वो उस कड़े को पहनती है, तो कमाला की बॉडी से अजीब सी एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उस इवेंट में काफी हंगामा हो जाता है और एक लड़की की जान खतरे में आ जाती है। लेकिन फिर कमाला अपनी शक्ति से उस लड़की को बचा लेती है और उसके बाद वो अपने घर लौट जाती है। कमाला की इस नई शक्ति के बारे में सिर्फ उसके दोस्त ब्रूनो को ही पता था, इसीलिए वो उसके साथ मिलकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना सीखती है और वो दोनों इस पावर को नाम देते हैं हार्ड लाइट, जिससे किसी भी तरह के सॉलिड स्ट्रक्चर बनाए जा सकते थे। फिर जब ब्रूनो कमाला की पावर्स की रिसर्च करता है तो उसे ये समझ में आता है कि वो एनर्जी उसके बैंगल से नहीं बल्कि उसकी बॉडी से निकल रही है, जिसका रीजन ये था कि कमाला की परनानी यानी उसकी नानी की मम्मी आयशा असल में एक जिन थी, जो कि दूसरे डायमेंशन से यहाँ आई थी। जिन, जिन्हें क्लैंडेस्टाइन्स भी कहा जाता है, वो नूर डायमेंशन यानी रोशनी की दुनिया में रहते हैं। बहुत साल पहले कुछ क्लैंडेस्टाइन्स को नूर डायमेंशन से निकाल कर इस दुनिया में भेज दिया गया था और यहाँ आने से उनके अंदर जो नूर की ताकत थी वो अब काम नहीं कर रही थी। उनके पास बस अब थोड़ी सी ही शक्ति रह गई थी, जिससे उनकी उम्र बहुत धीरे बढ़ती थी। वैसे तो कई सारे क्लैंडेस्टाइन्स यानी जिनों को नूर डायमेंशन से निकाल कर यहाँ भेजा गया था, लेकिन 1940 में 5 क्लैंडेस्टाइन्स एक दूसरे से मिले और उन्होंने आपस में एक ग्रुप बनाया, जिसमें कमाला की परनानी आयशा भी शामिल थी। फिर उन सब ने वापस अपनी दुनिया में जाने का तरीका ढूंढना शुरू कर दिया। इसी के चलते 1942 में उन्हें किसी से ये मालूम पड़ता है कि इंडिया के एक मंदिर में दो शक्तिशाली कड़े मौजूद है, जो कि नूर डायमेंशन में जाने का रास्ता खोल सकते हैं। इसीलिए आयशा और उसके चारों साथी उस मंदिर में पहुंच जाते हैं, पर वहां उन्हें सिर्फ एक ही कड़ा मिलता है। लेकिन तभी अंग्रेजों की फौज उस जगह पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ता है और तब आयशा वो कड़ा लेकर एक गांव में पहुंच जाती है और उसके साथी कहीं और निकल जाते हैं। फिर आयशा उस गांव में हसन नाम के एक आदमी से मिलती है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें एक बच्चा होता है, जो थी कमाला की नानी सना। अब आयशा का दिल इसी दुनिया में लग गया था और वो वापस अपने घर नहीं जाना चाहती थी। इसके अलावा उसे ये भी पता चल गया था कि अगर उन्होंने नूर डायमेंशन में जाने का रास्ता खोला तो उससे ये दुनिया तबाह हो जाएंगी और आयशा नहीं चाहती थी कि इंसानों की दुनिया खत्म हो जाए। लेकिन फिर 1947 में आयशा की एक साथी नजमा उसे ढूंढ ही लेती है और वो उससे वो कड़ा मांगती है, पर आयशा एक बहाना बनाकर उसे वो कड़ा नहीं देती और फिर वो हसन और सना को लेकर उस गांव से भागने की तैयारी शुरू कर देती है। उस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन चल रहा था, इसीलिए आयशा अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन तभी नजमा उस ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है और तब आयशा सना को वो कड़ा देकर नजमा को रोकने जाती है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है, पर नजमा उसे धोखेबाज बोलकर मार डालती है। उधर हसन और सना इंडिया से निकलकर पाकिस्तान पहुंच जाती है और वो कराची शहर में रहने लग जाते हैं।
दूसरी तरफ नजमा और उसके बाकी साथी उस कड़े की तलाश में पूरी दुनिया घूमना शुरू कर देते हैं। इस तरह से कई साल बीत जाते हैं और वो कड़ा पाकिस्तान में सना के पास ही रहता है। लेकिन फिर 2025 में उन्हें ये महसूस होता है कि उस कड़े को कमाला के पास होना चाहिए, इसीलिए वो उसे अमेरिका भिजवा देती है। और जब कमाला उसे पहनती है तो उस कड़े की शक्ति से उसके अंदर की नूर की ताकत जाग जाती है। क्योंकि कमाला आधी इंसान और आधी जिन थी, इसी वजह से वो नूर डायमेंशन की पावर को यहाँ इस्तेमाल कर पा रही थी, जो कि दूसरे क्लैंडेस्टाइन्स नहीं कर सकते थे। इसी दौरान कमाला की वो एवेंजर कौन वाली वीडियो वायरल हो जाती है, जिसमें उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया था। इसकी वजह से डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोग उसे खतरनाक मानकर ढूंढना शुरू कर देते हैं। उधर नजमा को भी वो वीडियो दिख जाती है और वो नूर की ताकत देखकर ये समझ जाती है कि वो लड़की आयशा के खानदान की है और उसके पास वो कड़ा है। इसीलिए नजमा कमाला को ट्रैक करके उसका एड्रेस निकाल लेती है और फिर सभी क्लैंडेस्टाइन्स न्यू जर्सी पहुंच जाते हैं। और इस बार उनके साथ नजमा का बेटा कामरान भी था, जो कि एक 17 साल का लड़का था और वो इसी दुनिया में पैदा हुआ था। फिर नजमा कामरान को उसी स्कूल में पढ़ने भेज देती है जहाँ कमाला पढ़ती थी, ताकि वो कमाला से दोस्ती कर ले और बाद में वो लोग उससे वो कड़ा हासिल कर सके। इसी बीच एक दिन कमाला अपनी पावर से एक बच्चे को बिल्डिंग से गिरने से बचाती है, लेकिन तभी डैमेज कंट्रोल के लोग वहां आ जाते हैं और वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तब कामरान वहां पहुंच जाता है और वो कमाला को बचाकर उसे अपने घर ले जाता है, जहां नजमा और बाकी क्लैंडेस्टाइन्स उससे मिलते हैं और वो कमाला को बताते हैं कि वो सब नूर डायमेंशन से यहां आए हैं और उन्हें वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए उस कड़े की जरूरत है। फिर नजमा उसे बोलती है कि उसकी परनानी आयशा भी यही चाहती थी कि वो सब वापस अपने घर लौट जाए, लेकिन वो कमाला से ये बात छुपा लेती है कि बाद में आयशा का इरादा बदल गया था, जिसकी वजह से उसने उसे मार दिया। कमाला उनकी बातों से कन्विंस हो जाती है और वो उनकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद कमाला इस बारे में ब्रूनो को बताती है और वो उसे दूसरे डायमेंशन में ट्रेवल करने की स्टडी करने बोलती है। इससे ब्रूनो को ये पता चलता है कि दूसरे डायमेंशन में जाना बहुत खतरनाक है। ये जानकर कमाला थोड़ा डर जाती है और वो कामरान से कुछ दिनों का वक्त मांगती है। लेकिन जब ये बात नजमा को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कमाला से जबरदस्ती वो कड़ा छीनने का सोच लेती है। पर कामरान इसके लिए राजी नहीं था, क्योंकि अब वो कमाला को पसंद करने लग गया था और वो उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। इसीलिए वो इस बारे में कमाला को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उस वक्त कमाला अपने भाई की शादी की तैयारी में बिजी थी। फिर जिस दिन उसके भाई की शादी रहती है, तब नजमा और बाकी क्लैंडेस्टाइन्स उस जगह पर हमला कर देते हैं और तब कमाला मेहमानों को वहां से बाहर निकाल के क्लैंडेस्टाइन से लड़ना शुरू करती है, लेकिन वो उनका मुकाबला नहीं कर पाती। फिर डैमेज कंट्रोल के लोग उस जगह पर आ जाते हैं और वो सभी क्लैंडेस्टाइन्स को गिरफ्तार कर लेते हैं। इस सब के बाद कमाला को उसकी नानी का फोन आता है और वो उसे पाकिस्तान आने बोलती है, क्योंकि नजमा से लड़ाई के वक्त कमाला को एक अजीब झलक नजर आई थी और वो ही झलक उसकी नानी को भी दिखी थी। इसीलिए कमाला इस रहस्य को समझने और अपने सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए अपनी मम्मी के साथ पाकिस्तान चली जाती है। वहाँ कमाला को उसकी नानी से आयशा और उस कड़े के बारे में कुछ बातें पता चलती है। फिर जब वो शहर में घूमने निकलती है तो कमाला पर करीम नाम का एक लड़का हमला कर देता है, जो कि रेड डैगर्स ग्रुप का मेंबर था। रेड डैगर्स असल में ऐसे लोग थे जो कि सदियों से इस दुनिया को मायावी शक्तियों से बचा रहे थे। जब कमाला की परनानी आयशा शादी करके यहाँ सेटल हो गई थी, तब उनकी मुलाकात रेड डैगर्स के लोगों से हुई थी और आयशा ने उन्हें ये बता दिया था कि क्लैंडेस्टाइन्स कौन है और उनका मकसद क्या है। तब से रेड डैगर्स के लोग क्लैंडेस्टाइन्स को उस कड़े से दूर रखने का काम कर रहे हैं, ताकि वो नूर डायमेंशन में ना जा सके। फिर जब कमाला पाकिस्तान पहुंचती है तो रेड डैगर्स के लोगों को नूर की शक्ति का एहसास होता है और उन्हें लगता है कि क्लैंडेस्टाइन्स वहां आए हैं। इसीलिए करीम वहां पहुंच जाता है और वो कमाला से लड़ना चालू कर देता है, लेकिन लड़ाई के दौरान उसे ये समझ में आता है कि वो लड़की दूसरे क्लैंडेस्टाइन्स की साथी नहीं, बल्कि वो आयशा की वंशज है और उसके पास वो कला है। इसीलिए करीम कमाला को अपने अड्डे पर ले जाता है और उसे अपने ग्रुप के लीडर वलीद से मिलवाता है, जो कि कमाला को उसकी परनानी के बारे में बताता है और बोलता है कि अगर क्लैंडेस्टाइन्स ने नूर डायमेंशन का रास्ता खोला तो ये दुनिया तबाह हो जाएंगी। इसके बाद कमाला रेड डैगर्स के कॉन्टेक्ट में रहने लगती है और वलीद उसे थोड़ी ट्रेनिंग देता है। दूसरी तरफ नजमा और उसके साथी डैमेज कंट्रोल की जेल से भाग जाते हैं और अब नजमा अपने बेटे कामरान को पीछे छोड़ देती है, क्योंकि उसे कमाला से प्यार हो गया था, जो कि उनके मकसद में रुकावट थी।
फिर कामरान को छोड़कर बाकी क्लैंडेस्टाइन्स पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और वो रेड डैगर्स के अड्डे पर हमला कर देते हैं। तब वलीद और करीम कमाला को लेकर वहां से भागना शुरू करते हैं और इस भागा दौड़ी के बीच वलीद और करीम के हाथों दो क्लैंडेस्टाइन मारे जाते हैं, लेकिन फिर नजमा वलीद को मार डालती है। इसके बाद जब नजमा कमाला पर वार करती है तो गलती से वो खंजर उसके कड़े पर लग जाता है, जिससे एक एनर्जी ब्लास्ट होता है और कमाला अतीत के उस वक्त में पहुंच जाती है जब आयशा हसन और सना इंडिया छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब 1947 में नजमा ने आयशा पर हमला किया था तो उसी दौरान सना, जो कि एक छोटी बच्ची थी, वो भीड़ में अपने पिता से बिछड़ गई थी और आयशा को ये महसूस हो गया था कि उसकी बेटी खतरे में है, पर वो इतनी घायल हो गई थी कि वो सना को बचा नहीं सकती थी। इसीलिए उसने कुदरत से ये दुआ की कि उसकी बेटी सही सलामत हसन के साथ पाकिस्तान पहुंच जाए, और तब उस कड़े की शक्ति ने एक ऐसा चमत्कार किया जिससे उस कड़े की भविष्य की मालिक यानी कमाला अतीत में पहुंच गई। फिर कमाला आयशा से मिलती है, जो कि उसे सना को बचाने बोलती है, और तब कमाला अपनी शक्ति से सना को उसके पिता से मिलवा देती है। इसके बाद कमाला वापस अपने समय में लौट जाती है और लौटते ही उसे ये दिखता है कि वहाँ नूर डायमेंशन में जाने का रास्ता खुल चुका है। नजमा के उस कड़े पर हमला करने से जो एनर्जी ब्लास्ट हुआ था, उससे न सिर्फ कमाला अतीत में गई बल्कि उससे नूर डायमेंशन का पोर्टल भी खुल गया, जो कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, और वो डायमेंशन इस दुनिया पर हावी होने वाला था। तब एक क्लैंडेस्टाइन उस पोर्टल में घुसने की कोशिश करती है तो उसका शरीर भस्म हो जाता है और वो मर जाती है। लेकिन नजमा को ये यकीन था कि वो बिना मरे उसमें जा सकती है, पर कमाला उसे ये समझाती है कि वो अपने बेटे को छोड़कर ना जाए, और तब नजमा को ये एहसास होता है कि अगर वो नूर डायमेंशन में चली गई तो उसके जाने के बाद पृथ्वी तबाह हो जाएंगी और कामरान मर जाएगा। इसीलिए वो उस पोर्टल में जाने की बजाय उसे अपनी शक्ति से बंद कर देती है और वो मरते मरते अपनी बची हुई शक्ति कामरान को दे देती है ताकि वो सही सलामत इस दुनिया में रह सके। इससे कामरान के पास भी कमाला के जैसी ही सेम पावर्स आ जाती है। इसके बाद कमाला की नानी और मम्मी उस जगह पर आ जाते हैं और उन्हें ये पता चल जाता है कि कमाला ही वो नई सुपर हीरो लड़की है। इसके बाद कमाला और उसकी मम्मी वापस अमेरिका लौट जाते हैं और अब उसके पूरे परिवार को उसकी शक्तियों के बारे में पता चल जाता है, लेकिन अब वो सब लोग उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर कमाला की मम्मी उसे एक नया सुपर हीरो सूट बनाकर देती है। दूसरी तरफ कामरान को डैमेज कंट्रोल वाले ढूंढ रहे थे, इसीलिए वो छुपने के लिए ब्रूनो के घर चला जाता है, लेकिन तभी एक ड्रोन उसका पीछा करते हुए वहां आ जाता है और तब कामरान उसे अपनी शक्ति से तबाह कर देता है। पर इससे डैमेज कंट्रोल के लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो कामरान को एक खतरनाक क्रिमिनल बोलकर उसे पूरे शहर में ढूंढना चालू कर देते हैं। तब ब्रूनो उसे लेकर अलग अलग जगह पर भागने लगता है। उधर जब कमाला को इस बारे में पता चलता है तो वो कामरान को लेकर स्कूल में छुपने चली जाती है और उसके कुछ दोस्त भी वहां आकर उनकी मदद करते हैं। वो सब लोग कामरान को वहां रात तक छुपाने वाले थे और बाद में उसे पाकिस्तान में रेड डैगर्स के पास भेजने वाले थे, लेकिन तभी डैमेज कंट्रोल की पूरी फौज वहां आकर उस स्कूल को घेर लेती है। फिर जब वो सोल्जर स्कूल में घुसते हैं तो कमाला और उसके दोस्त उनका ध्यान भटकाना शुरू करते हैं, लेकिन आखिर में कमाला और कामरान को छोड़कर बाकी सब लोग पकड़े जाते हैं। फिर डैमेज कंट्रोल वाले उन दोनों पर हमला करने लगते हैं। इससे कामरान को बहुत गुस्सा आता है और वो उन लोगों को मारने की कोशिश करता है, पर कमाला न सिर्फ डैमेज कंट्रोल वालों को रोकती है बल्कि वो कामरान को भी शांत करती है। इसके बाद वो कामरान के लिए रास्ता बनाती है और वो शहर से बाहर निकल जाता है। फिर वो पाकिस्तान में करीम के पास चला जाता है और वहीं रुक जाता है। इधर कमाला अब एक सुपर हीरो बनकर सबके बीच बहुत फेमस हो गई थी, इसीलिए डैमेज कंट्रोल वाले उसका पीछा छोड़ देते हैं। लेकिन अब तक कमाला अपना कोई सुपर हीरो नाम नहीं सोच पाई थी। तब उसके पिता बताते हैं कि उसके नाम का मतलब है मार्वल, और इसीलिए वो उसका सुपर हीरो नाम रखते हैं मिस मार्वल, जो कि कमाला को बहुत पसंद आता है। फिर कुछ दिनों बाद जब ब्रूनो फिर से कमाला की बॉडी की स्टडी करता है तो उसे ये पता चलता है कि कमाला एक म्यूटेंट है, मतलब उसके पूरे परिवार में किसी के अंदर भी क्लैंडेस्टाइन का डीएनए नहीं है और वो सिर्फ उसके ही अंदर है, जो कि उस कड़े की शक्ति से एक्टिवेट हो गया और कमाला एक सुपर हीरो बन गई। आखिरी एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में हमें ये दिखता है कि कमाला का वो बैंगल अजीब तरीके से चमकने लगता है और फिर कमाला अपने कमरे से गायब हो जाती है और उसकी जगह वहां पर कैरल डेनवर्स यानी कैप्टन मार्वल आ जाती है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उनकी शक्तियां आपस में जुड़ गई है
और इसके आगे की कहानी द मार्वल्स मूवी में दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी मिस मार्वल सीरीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.